छोटी मोटी चोरी करना और उसमें खुशी पाना, ये एक बीमारी है जिसको क्लेप्टोमेनिया बोलते हैं। उसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। क्लेप्टोमेनिया यह एक बीमारी है, यह एक उन्माद है जिसमें वह व्यक्ति को वस्तु चुराने की इच्छा होती है। उसको इतना वो इरेजिस्टेबल डिज़ायर होती है, मतलब इतना वो टेंशन में आता है चोरी नहीं की तो, कि उसको चोरी करना ही पड़ता है। और चोरी करने के बाद में उसको खुशी लगती है, शांति लगती है, समाधान लगता है, तो बहुत खुशी होती है, अपूर्व खुशी चोरी करने के बाद में। वो जो चुराता है ना, उसका कोई उसको महत्व नहीं रहता, बोले कोई महत्व की वस्तु रहती, बहुत छोटी मोटी रहती है। मतलब जो आदमी ये कर रहा है ना, उसका स्टेटस, उसके पास का पैसा देखकर लगता है अरे इसने क्यों चोरी किया। वो चिल्लर चोरी, मतलब 50, 100, 200, 500 रुपये की चोरी, जब ये आदमी तो हजारों कमाता है। मगर ये आवेग नियंत्रण का विकार है। चोरी करने के पहले तनाव और चोरी करने के बाद खुशी, ये महिलाओं में ज़्यादा दिखाई देता है। और इसमें कोई वो व्यक्ति योजना नहीं बनाता, ना उसको कोई डर है कि मैं पकड़ा जाऊँगा तो क्या होगा। ये जो व्यक्ति है वो चोरी करता है, समझो बड़े स्टोर्स में, मॉल में, या कहीं शादी विधि का फंक्शन है तो उसमें, ऐसा सुपर बाजार, वहाँ वो चोरी करता है और फिर पकड़ा भी जाता है, क्योंकि कैमरे लगे हैं तो ये पकड़ा जाएगा बाद में, और उसको कुछ लगता नहीं उसका। अभी एक लड़का मेरे पास में लाया था, करीब करीब 27-28 साल का है, घर का अच्छा है, पिताजी नहीं है मगर, और उसके माँ को अच्छी कमाई है, ये पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएट है, मगर उसको बार बार चोरी करने की इच्छा होती है। अभी फ़िलहाल ऐसा हो गया कि उनके रिश्ते में वो शादी में गए थे और वहाँ उसने चोरी किया, उसने वो शादी में चेन उठा लिया, और जब हाहाकार हुआ कि भाई चेन गई, चिल्लाया महिला है, पता नहीं क्या हो गया, तो वो कैमरे लगे हुए थे उसमें, वो मालूम हो गया कि इस तरह का है, और इसके माँ ने कबूल कर लिया कि भाई मेरे लड़के ने क्या होगा, उससे माँ को मालूम था कि अपना लड़का ऐसा है, उसके माँ ने उसके तरफ से वो निकाल लिया, चेन उनको दे दिया। मगर हुआ क्या कि तब तक पुलिस कंप्लेंट हुई थी, पुलिस ने उसको पकड़ लिया, और ये सेकंड टाइम था कि पुलिस ने उसको पकड़ लिया ऐसे चोरी करने में, मगर पुलिस अभी उसको छोड़ने को तैयार नहीं। फिर मेरे पास में जब लाया उसको, तो उसको जमानत वगैरह लेकर लाया, और फिर अभी ये क्लेप्टोमेनिया की ट्रीटमेंट करने के लिए कहा। तभी इसमें क्लेप्टोमेनिया में एक तो हम सेरोटोनिन देते हैं, लिथियम देते हैं, सोडियम वेलप्रेट या वेलप्रेक एसिड वो देते हैं, और फिर काउंसिलिंग का उपचार होता है, हिप्नोथेरेपी से भी बहुत फ़ायदा होता है। तो क्लेप्टोमेनिया ठीक हो सकता है, ठीक होना चाहिए भी, क्योंकि ये लोग खामोखा पकड़े जाते हैं और लोगों में बहुत बदनाम हो जाते हैं। लोगों को लगता है कि ये चोरी करते हैं तो ये चोर है, मगर एक्चुअली ये चोर नहीं है, ये क्लेप्टोमेनिक है, इनको ये बीमारी है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अब आपका ख्याल रखिएगा, आपके परिवार का ख्याल रखो, क्योंकि आप बहुत बहुमूल्य हो। थैंक यू वेरी मच।